हनुमान जन्मोत्सव पर मंगलवार को जाखू मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सुबह 5 बजे से ही बजरंग बली के दर्शनों के लिए कतार लगना शुरू हो गई थी। स्थानीय लोगों के अलावा भारी संख्या में सैलानी भी मंदिर में हनुमान जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आती है। मंदिर के पुजारी बीपी शर्मा ने क्या कहा सुनिए। बीपी शर्मा, मुख्य पुजारी हनुमान जाखू जी। हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार हैं, 11वें अवतार हैं। वैसे तो हनुमान जी अजन्मे हैं, इन्हें कोई जन्म नहीं होता है, लेकिन जब इन्हें अवतार लिए हैं तो उनका जो तिथि को अवतार, उसको हम जन्मोत्सव मानते हैं। तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और सुबह से ही 4 बजे से जब से कुमार खुले हैं तब से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और बीच में तो आरती टाइम कितना रश हो गया था कि यहाँ धक्का बहुत ज़्यादा, पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा थोड़ा सा। अब थोड़ा ठीक है, लाइन तो बहुत लंबी है, नीचे से मंदिर तक लाइन लगी हुई है, लेकिन ऐसा है कि आप आराम से चलो, आप धीरे धीरे काम है ना। और मंडला भी लोग ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। पर्यटक तो अब जब से मूर्ति बनी 2010 से लगातार, पहले तो होता है यहाँ पे सब मई जून में ही पर्यटक लोग आते थे, और बाकी अगर पीछे जो है ना कुछ लोग को लोग आते हैं, मतलब 100-150 लोग दिन के आते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब कम से कम हर रोज़ यहाँ पे, चाहे किसी कोई भी सीजन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कम से कम 5,000 से 7,000 तक, 10,000 तक लोग आते हैं। और बाकी मंगल शनि इतवार को तो 15-20-30,000 लोग आते हैं। आज तो जनती है, आज तो कम से 25-30,000 लोग आने की कोशिश, अब कम से कम 5,000 लोग, 6,000 लोग तो सुबह चले गए हैं दर्शन करके। हुकुम वर्मा, हम जाखू टेम्पल हनुमान जी के दर्शन करना है। आज हनुमान जी की जयंती है, हमारे को बड़ी खुशी है कि हमारे को दर्शन करने के मौका मिला है यहाँ पे। मेरा नाम है नितिका और मैं नवधार में ही रहती हूँ, और हम हनुमान जयंती के अवसर पर हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।